हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से 2019 के लिए रिक्रूटमेंट का न्यू नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है। किस तरह से कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, क्या क्या यहाँ पे प्रोसीजर रहेगा अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होगा। एग्ज़ाम तो देखिए आपका इसमें नहीं होगा, किस तरह से सिलेक्शन होगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करना। आपको पता है हमारे चैनल में ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हो, चाहे स्टेट की वैकेंसी सबसे पहले, चाहे सेंटर की, सबसे पहले हमारे चैनल के जरिए आपको बताई जाती है, वो भी विद इन नोटिफिकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को बिल्कुल प्रेस करना, इसी से आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं ना, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही बढ़िया पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बुक्स है, आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाली बुक्स है वो, ठीक है। सो अगर आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, उन बुक्स को जरूर डाउनलोड करना। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की, देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कौन कौन किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, तकरीबन 1.5 से 3 लाख वैकेंसी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में आउट की जा चुकी हैं। सैटरडे को भी 2 से 3 अलग नोटिस आउट हुए हैं, जिसमें स्टेट की वैकेंसीज भी है, सेंटर की भी है। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.clori.com, जिसका लिंक हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है। सो इस वेबसाइट पर दिन में 1 या 2 बार जरूर विजिट किया कीजिए, क्योंकि हर टाइम ये अपडेट करते ही रहते हैं हम। क्योंकि क्या होता है कि वैकेंसी की एक वीडियो एक ही टाइम में बन सकते हैं, लेकिन जो वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है तो वेबसाइट पर जल्दी अपडेट हम कर देते हैं। तो वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए, जिसके लिए आप एलिजिबल है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई भी किस तरह से करना है वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। और फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट के सारी डिटेल्स आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही मिल जाएगी, www.clori.com, और वहीं पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, किस तरह से वो भी बताती हूँ। सबसे पहले वैकेंसीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पोस्ट का जो नेम रखा गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। अप्लाई आप कर सकते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 31 जुलाई 2019। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, अगर आपकी एज मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 56 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन को एज पर गवर्नमेंट रूल्स एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में जस्ट आपके यहाँ पे इंटरव्यू ही रहेगी, कोई भी रिटर्न एग्जाम यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है, जो वो एलिजिबल है जरूर जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की, बात करेंगे। ये देखिए हमारी ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पे जब मर्जी आप विजिट करना, न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे अपडेट होती ही रहती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से मांगी गई है। जॉब लोकेशन सबसे पहले देखिए इसमें आपके क्या क्या रहेगी, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, ये आपके जॉब लोकेशन इसके लिए रहेगी। क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, इन हैंडलिंग फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में, या डेवलपमेंट में, या अकाउंट्स मैटर्स में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे इन्होंने MBA डिग्री बताई हुई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे अगर आपने लॉ डिग्री की हुई है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और हैंडलिंग देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि लीगल मैटर्स में आपके पास अगर एक्सपीरियंस है या वर्किंग एक्सपीरियंस है एज अ लॉ ऑफिसर इन ए रेपुटेड गवर्नमेंट ऑफिस में, या रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैन एंड वीमेन दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद यहाँ पे लास्ट में देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स लिखे हुए हैं, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ये ऑफिशियली वेबसाइट है। और अप्लाई देखिए आपको किस तरह से करना है, ये मेंशन एड्रेस है जो कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। यहाँ पे आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं, अपनी एप्लीकेशन, रिज्यूम, प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और अंडरटेकिंग आपने साइन करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने एक्सपीरियंस आपने मांगा गया है 2 से 4 साल का, तो यहाँ पे आप वर्किंग है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी वर्किंग है, तो वहाँ से मतलब आपको एज अ अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो साइन करवाना पड़ेगा, या आप उसको NOC बोल सकते हो कि उनको प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस तरह से अप्लाई कर लेना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।